को काम नहीं करना है, आप सारे घंटा बजाने ही आए हैं क्या यहाँ पे योगी जी? मैं बीजेपी सरकार को यही कहना चाहूंगी कि अगर आप ये अपना जो घंटा बजाने आए हैं, 56 इंच का सीना लेके आए हैं, मोटा भाई छोटा भाई आए हैं, आप सब इस्तीफा दे दीजिए। 7 साल में 7 बार रो चुके हैं आप, ऐसा प्रधानमंत्री हमारे को नहीं चाहिए था जो झोला उठा के भाग जाए। इतना कहा है प्रधानमंत्री तो हमने आज तक नहीं सोचा था कि भारत जैसे देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा। हम अपने केंद्र के सरकार की अगर बात करें तो वो बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पूर्ण रूप से सुरक्षित है, लेकिन अब आने वाले 2 महीने में अगर देखा जाए तो बेटियों के साथ बहुत घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे दिल्ली केस ले लो, मुंबई केस ले लो, बिहार ले लो, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ बलात्कार हो रहे हैं। आप चाहे यहाँ दिल्ली का देख लीजिए, यहाँ का गृह मंत्री दिल्ली की तो केजरीवाल सरकार है, पर जो पुलिस तो अमित शाह जी के अंडर है, गृह मंत्रालय उनके अंडर है, यूपी में भी जो मुख्यमंत्री वो भी बीजेपी के हैं। आप देख सकते हैं कहाँ हर जगह जहाँ बीजेपी है वहाँ बलात्कार हो रहे हैं। 3 दिन में 2 केस जी बिल्कुल, लेकिन जो न्यूज है उनसे भी तो इफेक्ट पड़ता है। एक ही चीज से थोड़ी ना होता है कि ध्यान बटेगा। न्यूज भी किसकी किस तरफ बिक रही है? मोदी जी की तरफ, बीजेपी की तरफ, तो उस पर देखना चाहिए कि न्यूज अगर बिकाऊ है तो कैसे समाज चलेगा, देश चलेगा। अभी दिल्ली में देखने को मिला है नांगलोई गांव का केस जो था वो ठंडा नहीं पड़ा, उससे पहले राबिया सेबी के साथ हो गया जो कि एक सिविल डिफेंस में, तो दूसरों की सुरक्षा के लिए तो जी बिल्कुल, अगर उनमें काम करने वाली ही बेटियां सुरक्षित नहीं है देश की रात आने में तो बाकी बेटियां कैसे सुरक्षित? मैं बस मोदी जी योगी जी से यही कहना चाहूंगी कि योगी जी आप इस्तीफा दे दो, मोदी जी आप इस्तीफा दे दो। क्यों आप प्रधानमंत्री बने हो, क्यों आप गृह मंत्री बने हो, क्यों आप मुख्यमंत्री बने हो, जब आपको बेटियों की सुरक्षा नहीं करनी है तो किस लिए आपने कुर्सियां जब्त कर रखी हैं, अपने कब्जा रखी हैं? हम बेटियों को ये दे दो, क्योंकि हम भी बेटियां ही काली हैं, हम बेटियां ही दुर्गा हैं, हम बेटियां ही पार्वती हैं, हमारे को ये कुर्सी दे दो, हम खुद अपने आप को संभाल सकते हैं, इतना हम में हमारा दम है कि हम खुद को संभाल। अगर भरोसा ना हो तो बंगाल में आप खुद ही देख लो क्या तमाचा मार के आपको भगाया है ममता जी ने, क्या वो रख सकती हैं? बेटियों ने ही बेटियाँ ही ममता है, बेटियाँ ही इंदिरा हैं, बेटियाँ ही पार्वती हैं, बेटियां वो ही हैं जिन्होंने कृष्ण को पैदा किया है, बेटियां वो ही हैं जिन्होंने राम को पैदा किया है। अब विचार कीजिए मोदी जी, आपसे कुर्सी नहीं संभाली जा रही है तो हम ये नहीं कह रहे हैं आप दोबारा संभाल करो, नहीं आप हमारे को कुर्सी दे दो, हम अपने आप को खुद संभाल सकते हैं। सरकार तो पूर्ण रूप से आश्वासित है, वो तो कह रहे हैं कि बेटी पूर्ण रूप से सुरक्षित है, यूपी की आप बात करें तो यूपी मॉडल को लेकर वो काम कर रहे हैं, यूपी देश में नंबर 1 है जी, आप कह रहे हैं कि यूपी में बलात्कार हो रहे हैं, यूपी में हर 2 मिनट में बलात्कार आते हैं, यूपी बलात्कार में नंबर 1 है, यूपी महंगाई में नंबर 1 है, आप देख सकते हैं कितनी महंगाई है यूपी में, बेरोजगारी में यूपी नंबर 1 है। यूपी मॉडल के पोस्टर तो दिल्ली तक में लगे हुए हैं, यूपी नंबर 1, 4 लाख रोजगार पर ईयर ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये बदले जा नाम बदले जा चेहरा, बीजेपी सरकार के ये ट्रेंड चल रहा है, फैशन चल रहा है उनके यहाँ का, बदले जा नाम बदले जा चेहरा। आप देख लीजिए अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखना चाह रहे हैं, हरा थोड़ी ना हो जाएगा उससे, पेड़ पौधे अपने आप थोड़ी ना उग जाएंगे, आप लगाओगे तभी तो उगेंगे। देखिए आप वहाँ पे तो अब गुजरात में देख लीजिए आप, वहाँ पे भी CM का नाम बदल गया है, चेहरा बदल दिया है वहाँ पे भी, तो ये बदले जा नाम बदले जा चेहरा जो मोदी जी की सरकार में ट्रेंड चल रहा है, फैशन चल रहा है, इसको हटाना। आप कह रहे हैं कि गुजरात में नाम बदलते हैं तो अच्छी बात है ना, अगर कोई CM काम नहीं कर रहा तो उसको हटा के दूसरे को बना रहे हैं। CM काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि पता है हमने कोई काम किया नहीं है। CM कौन सी पार्टी का है भाई? CM कौन सा आप अपनी पार्टी से आके आपके उसमें काम कर रहे हैं? आप ही तो उसको बताओगे कि क्या काम करना है, आपके हाथों में उसकी कमान है, आप जितना उसे आगे बढ़ाओगे उतना वो आगे बढ़ेगा। जब आपको पता है हमें कुछ काम करना नहीं है तो नाम तो बदलना ही पड़ेगा ना भाई। आपके हिसाब से कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो देश में अच्छा कार्य करे? केजरीवाल सरकार सबको ही पता है, पूरे देश को पता है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली को कितना बेहतर बना दिया है उन्होंने, मोदी जी से ऊपर बढ़ के नाम काम में उनका है।
तो आप देख सकते हैं। आप कह रहे हैं केजरीवाल ने अच्छा काम किया, कोई काम बता सकते हैं कि क्या अच्छा काम किया केजरीवाल ने? बिजली देख सकते हैं, कई काम है उनके तो ऐसे, बिजली देख सकते हैं आप, बिजली के बल्ब जलते नहीं है यहाँ दिल्ली में, मुस्कुराते हैं, नल का पानी जो आता है वो एकदम ताज़ा आता है, वो भी फ्री है, नल का पानी भी, बिजली भी फ्री है, बस के टिकट फ्री हैं, महिलाओं के लिए बहुत फायदे हैं, महिलाओं को बहुत फायदे हैं। अगर दिल्ली में देखें तो जो राजा केस है वो सिविल डिफेंस में काम करने वाले हैं, जो केजरीवाल सरकार के अंदर आती है, इतना दुराचार होने के बाद भी केजरीवाल सरकार की तरफ से कोई आश्वासन पीड़ित परिवार को नहीं आया है। आप हमेशा जितनी भी सरकारें हैं केजरीवाल सरकार को क्यों करती हैं? आप सब तो पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि गृह मंत्रालय जो है वो अमित शाह जी के नाम पे है, जब तक सारी पुलिस उनके नाम पे है, केजरीवाल सरकार तो सीएम है, नहीं केजरीवाल सरकार तो सीएम है ना, उन पे पुलिस नहीं है अंडर, पुलिस में अमित शाह जी का हाथ है, वो अगर थोड़ी सी भी मेहनत करते तो आज ये दिन नहीं होता कि जो सिविल डिफेंस की हैं उनके साथ ही अगर 4 महीने हुए थे और 4 लोगों ने उनका गैंग रेप किया है, ये बहुत दुखद घटना है देश के लिए। नहीं, मेरा सवाल ये था, हाँ? जब केजरीवाल सरकार अपने अंडर काम करने वाले वर्करों को या पार्टी वर्करों को सेफ्टी नहीं दे सकती तो नाम की सरकार रहेगी ना, फिर इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। नहीं ऐसा नहीं, केजरीवाल सरकार अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करना चाहती है कि हम अब अगले इलेक्शन तो हम ही जीतने वाले हैं, देखते हैं तब आप देखिएगा कि एक भी बलात्कार हो पाता है क्या, और अगर होता भी है तो उन्हें फांसी की सजा केजरीवाल सरकार बिल्कुल दिलाएगी। बात है, मान लेते हैं कि केजरीवाल के सरकार के पक्ष में दिल्ली पुलिस नहीं है इसलिए वो वर्क नहीं कर पाते जी, लेकिन उनके अंडर काम करने वाले अगर किसी महिला के साथ या किसी जज के साथ भी कुछ गलत होता है तो सरकार को उनका पक्ष लेके खड़ा तो होना चाहिए ना। जी बिल्कुल, लेकिन खड़ी है सरकार तो, आप देखिए अभी 9 साल की बच्ची के ही एक बलात्कार हुआ था, पुजारी ने उसे बलात्कार किया था, उसमें भी केजरीवाल सरकार ने यही बोला था कि जितना भी सहयोग हम कर सकते हैं हम उतना आपके साथ करेंगे, जो भी ज़रूरत जो पीड़ित परिवार है उसको है हम वो पूरी करेंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि केजरीवाल सरकार खड़ी नहीं है, केजरीवाल हर कदम पे जितना भी पीड़ित परिवार है उनके साथ खड़ी है, अब उनके हाथ में पुलिस नहीं है तो वो क्या करे? आम जनता जो कट्टरता दिखाते हैं, आप पुलिस देखिए तो देखिए, जो हमारी पुलिस है वो देखिए केजरीवाल जी के हाथों में दीजिए, क्या क्या बदलाव नहीं होते हैं, जो पीड़ित परिवार है उनको फांसी तक हम दिलवाएंगे, आप एक बारी हमारे हाथ में कमान दीजिए। बिल्कुल, इस प्रकार से आप कह रहे हैं कि उनके हाथ में दिल्ली सरकार की कमान दीजिएगा, मेरा सवाल यही फिर से है कि दिल्ली से पुलिस की कमान चलो केजरीवाल साहब के पास आ जाती है तो उसके बाद ऐसा क्या होगा जो अब नहीं होगा? वहाँ पे क्या होगा मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली सरकार पूरे दिन 24 घंटे पुलिस खड़ी रखेगी महिलाओं के लिए, एक भी बलात्कार अगर हो जाता है तो उनको फांसी दिलाएगी, जितना भी जुल्म उन्होंने किया है, और पीड़ित परिवार को जहाँ से जितना उनसे हो सकता है उतना उनको सहयोग करेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। केजरीवाल सरकार को अगर मैं केजरीवाल जी से मिली तो मैं केजरीवाल जी से यही कहूँगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल जी, आप पे अच्छी टीम है, दुर्गेश पाठक जी जैसे आप पे बड़े नेता हैं जो यूपीएससी की तैयारी छोड़ के नेता में आए हैं, हिंदुस्तान संभालने आए हैं, तो केजरीवाल जी मेरी यही आशा है कि आप लाल किले से तिरंगा फहराएं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। हमने आपको जहाँ तक सोशल मीडिया पे या बाकी चल प्लेटफार्मों पे देखा है कि आप अपनी बात को बेबाकी से रखती हैं हर मुद्दे पे, तो आप बड़ा होके क्या बनना चाहते हैं? मैं प्रधानमंत्री बनना चाहूँगी। अगर आपको बीजेपी की तरफ से टिकट दिया जाए कि आप चुनाव लड़ लें तो क्या लड़ेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। तो किस पार्टी से? मैं अपनी पार्टी बनाऊँगी। मतलब आने वाले टाइम में आप जो आम आदमी पार्टी को सबसे बेस्ट कह रहे हैं उससे भी बगावत करके आप पार्टी बना के चुनाव लड़ेंगे? नहीं मैं कंपटीशन नहीं कर रही हूँ, मैं और अच्छी पार्टी बनाने की कोशिश करूँगी कि इससे अच्छा अगर मेरे से ज़्यादा इससे अच्छा काम हो सके तो मैं उससे अच्छा काम करूँगी। नहीं पार्टी बना के तो अच्छा काम तो पार्टी में रह के भी पार्टी के लिए किया जा सकता, तो पार्टी तो पार्टी है ना, एक नई पार्टी आएगी तो दूसरी पीछे जाएगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर जनता को मेरी पार्टी पसंद आती है तो मेरी चुनेंगी, वो तो जनता के हाथ में है ना। अब जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं, इस प्रकार के जो दरिंदे हैं जो लोग हैं इस मानसिकता के, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अब
जब हमारे देश का नायक, दिल्ली का नायक, दिल्ली का बेटा केजरीवाल आएगा, तब आप लोगों को जरूर फांसी होगी, चाहे बीजेपी के अंडर ही क्यों ना हो। अब अगली बार हमारी सरकार आने वाली है तो आप लोग बचेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, क्योंकि दिल्ली का नायक बेटियों को देखता है, आम जनता को देखता है, गरीब को देखता है। आप देख लीजिए, हर महीने 15,000 से ज़्यादा की हमारे यहाँ बचत होती है, हर घर को मिलता है। स्कूल देख लीजिए, स्कूल में कितना फीस आती है, एक्सीडेंट हो जाता है तो फ्री में इलाज होता है। मोहल्ला क्लिनिक आप देख लीजिए, बहुत हाइजीन है, हर दवाई मिलती है। आप देख सकते हैं यूपी से लोग आते हैं यहाँ दवाई लेने। एक लड़के हैं, वो भी यूपी से ही आते हैं, यहाँ पढ़ाई करने आते हैं। तो क्यों यूपी में नहीं करने पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ की सरकार लापरवाह है, कुछ काम नहीं करना चाहती है, इसलिए वहाँ पे ऐसा हो रहा है। दिल्ली सरकार मजबूत है, टीम है, उन पे जज्बा है कि हम करेंगे और जनता हमारे को पसंद करेगी। दिल्ली सरकार मजबूत है, लेकिन अगर सरकारी आंकड़े देखें तो यूपी को देश में नंबर वन सरकार माना गया है। जो योगी जी हैं देश में नंबर वन मुख्यमंत्री के, उनकी सर्वे की रिपोर्ट में आया। मोदी जी से बढ़कर कोई, अभी आप कह रहे हैं कि योगी जी हैं, पर मोदी जी से बढ़कर ही मुख्यमंत्रियों में बढ़के, सबसे बढ़के मुख्यमंत्री आप मोदी जी से ही बढ़कर केजरीवाल जी का नाम आ रहा है। आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का ही बढ़कर नाम एक सीएम का आ रहा है, तो बहुत बड़ी बातें हैं दिल्ली वालों के लिए कि हमारा जो मुख्यमंत्री, हमारा जो नायक है, उसका देश में सबसे ऊपर नाम है। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारे को ऐसा मुख्यमंत्री बनाए, उनको ऐसी टीम मिली है। यूपी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, राम मंदिर बना दिया, तीन तलाक का कानून ले आए, अब जनसंख्या नियंत्रण कानून भी ले गया। तीन तलाक की बात है, तीन तलाक है, पर मुसलमानों का भी अपना धर्म है। अब आप बोल दोगे, पर हाँ उसमें भी मुझे लगता है कि एक बारी आदमी तीन तलाक बोलने से एक बारी करेगा, परहेज करेगा, पर उससे क्या फ़ायदा हुआ है महिलाओं को? बलात्कार तो हो रहे हैं, तीन तलाक का तो छोड़ो, उनका तो अपना धर्म है, वो उनका जो है वो अपने हिसाब से देखेंगे। पर आप फिर बाद में धर्म क्यों ले आते हैं? राम मंदिर तो उधर ही आप एक मस्जिद बनाते जी, आपका क्या जा रहा है? राम मंदिर, चलो अच्छी बात है, आपने राम मंदिर बनाया, इतने सालों से जो टेंट लगा हुआ था आपने मंदिर बनाया, पर आप दो तीन महीने तो एक मस्जिद को बनाने में भी लगेंगे, क्यों आप वहाँ पे एक दरगाह बना देते हैं? आपका क्या जाएगा? आप तो सीएम है ना, तो या फिर आप, या तो आपको काम नहीं करना है, आपको काम नहीं करना है, आप सारे घंटा बजाने ही आए हैं क्या यहाँ पे योगी जी? आपको अगर आप सीएम हैं, आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि कैसे हम देशवासियों का आप दिल जीतें। वैसे आपने दिल जीतने का काम तो नहीं किया है, आप अगली बार तो जीतेंगे नहीं, पर अभी भी कोशिश कर लीजिए, आम जनता आपके साथ आ जाएगी अगर अभी भी आप काम करेंगे तो। योगी जी का कहना है जो अगर कहीं पे बाढ़ आती थी, जो भी उनका सर्वे करना चाहता था वो हेलीकॉप्टर से जाता था, अब योगी जी को देखने को मिला बाढ़ग्रस्त एरिया में नाव से जाते हैं, उसके ग्राउंड पे जाके उसकी सर्वे कर रहे हैं। फूल की वर्षा होती है हेलीकॉप्टर से, क्या फायदा होता है? कितना खर्चा आता है उसमें, कितने फूल बर्बाद होते हैं। इतना अगर आपने राम मंदिर बनाया तो आप उधर ही धर्म में ले आओ ना फिर। पर मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप वहाँ चढ़ा दो, वहाँ से भी। और हमारे को पहली बात यह है कि हमारे को क्या, जो भी हमारे सामान फेंकता है, एक हमारे को एक योजना बनानी चाहिए कि जो भी फूल हैं उनसे कोई अच्छा काम कर सकें। भगवान अपनी आस्था अपनी जगह है, पर उस जो जस्ट आता है, फूल आते हैं, उनसे हम एक योजना बनाएं कि उनसे कोई अच्छा काम हो सके। तो एक एनजीओ ने भी खोला है ये काम, वो अगरबत्तियाँ बनाते हैं वेस्ट फूलों की, बहुत अच्छा काम है, उनको सपोर्ट। अब मोदी जी आप उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिला देते, उनको कोई अवार्ड क्यों नहीं दिला देते हैं? वो तो काम ही कर रहे हैं ना, देश के लिए सेवा कर रहे हैं, वो तो पैसे और बचा रहे हैं आपके, पैसे और कमा के दे रहे हैं आपको, आमदन बढ़ा रहे हैं, वो तो वेस्ट फूलों को कूड़े में फेंकने से बचा रहे हैं। आप उन्हें भारत रत्न दिलाइए, क्यों अब आप क्यों नहीं दिलाते हैं? मैं इस पर आपको पॉइंट करती हूँ। देख आखिरी में केंद्र सरकार जो कार्य कर रही है उसको किस प्रकार से देखते हैं? अगर वो कार्य नहीं कर रहे तो आने वाले टाइम में क्या हो जी? लास्ट में एक संदेश केंद्र सरकार के लिए, कोई मैसेज बीजेपी सरकार के लिए? मैं बीजेपी सरकार को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप ये अपना जो घंटा बजाने आए हैं,
56 इंच का सीना लेके आए हैं, मोटा भाई छोटा भाई आए हैं, आप सब इस्तीफा दे दीजिए। 7 साल में 7 बार रो चुके हैं आप, ऐसा प्रधानमंत्री हमारे को नहीं चाहिए था जो झोला उठा के भाग जाए। इतना कहा है प्रधानमंत्री, तो हमने आज तक नहीं सोचा था कि भारत जैसे देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा। और महंगाई देख लीजिए आप मोदी जी, महंगाई पे देखिए आप, आपकी खुद जो मम्मी हैं हीरा बहन जो हैं उनको मैं सलाम करती हूँ कि उन्होंने कितनी इतना ऐसे आपको पाला पढ़ाया है, बड़ा किया है। आप उनके लिए ही देख लीजिए, वो आप भी तो गरीब फैमिली से, आप जब रोते हैं कि मैं चाय वाले का बेटा हूँ, मेरी मम्मी घर घर जाके बर्तन मांजती थी, घर के काम करती थी, तो आप उन वैसे ही लोगों के लिए देख लीजिए। बहुत लोग ऐसे हैं, क्यों नहीं देखते कि देश का एक लोग तो पहला प्रधानमंत्री है तो देश की जनता के लिए भावुक होते हैं, उसको आप दूसरे तरीके से ले जाते हो कि यह भावुकता से तो वोट आपको नहीं मिलेंगे। अब मोदी जी आपकी भावुकता किसानों ने देख लिया, गरीबों ने देख लिया है, आपका जो झोला है उसमें इतनी चीजें चली गई हैं। आप हमेशा नेहरू जी को क्यों गाली देते हैं, आप भेल किसने बनाई है, भाखड़ा नंगल डैम का उद्घाटन किसने किया है, आपने क्या कर, एम्स किसने बनाया है? मोदी जी आपसे बढ़कर है वो फ्रीडम फाइटर रह चुके, इतना तो सम्मान आपके लिए बड़ों के लिए होगा, इतना सम्मान आप रखिए कि बड़ों की इज्जत करना सीखिए। जब तक महंगाई से आप बचत नहीं दे रहे हैं, आप हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो आप बड़ों की इज्जत क्या करोगे, बड़ों की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं आप। तो मोदी जी बस मैं यही कह रही हूँ, बड़ों की इज्जत कीजिए, नारियों की इज्जत कीजिए। जो आपने बंगाल में दृश्य दिखाया है ओ दीदी ये दीदी कर ये दोबारा ना हो, हर नारी का सम्मान हो जा चाहिए, नारी ही भगवान है, नारी ही सब कुछ है। आखिरी में आप देश की जनता और देश के वोटर को क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए, कैसे लोगों को चुनना चाहिए? जी मैं यही संदेश देना चाहूंगी, कट्टरता ना लाएं, कट्टरता लाने से हमारे ही देश का विकास रुकता है, हमारे देश ही बर्बाद होता है। महंगाई हमारे देश में इस वजह से आ रही है, बेरोजगारी इस वजह से आ रही है। आप कट्टरता देख लीजिए, आपकी कट्टरता से कितनी लड़कियों के साथ ऐसा हो गया, आपकी बीजेपी की जो कट्टरता है कितने लोग लड़कियों की जान ले चुके हैं, मनीषा वाल्मीकि देख लीजिए आप, अभी आप रबिया की देख लीजिए जो आपकी ही सुरक्षा कर रही थी, उनके साथ ही ऐसा हो गया। तो कट्टरता ना लाइए, जो आपका सेवा कर रहा है उस नायक को लाइए।